महाराजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उप जिलाधिकारी मोच परमानंद सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी मोच हरिओम एवं थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में आपातकालीन सेवाओं को जानकारी दी गई एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि बालिका वर्ग दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, वहीं द्वितीय स्थान ऋतु एवं द्वितीय स्थान अनुराधा तथा बालक वर्ग दौड़ में प्रथम स्थान साहिल, द्वितीय स्थान ध्रुव दुबे, तृतीय स्थान सरस्वती विद्यामंदिर ने प्राप्त किया। खो खो खेल प्रतियोगिता में कप्तान ऋचा कश्यप की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं जूनियर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सौरभ, द्वितीय स्थान आयन खान एवं तृतीय स्थान फरहान ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंतर्गत थाना समथर में महिला कांस्टेबल मोहिनी कुमारी एवं समीता सिंह द्वारा उपस्थित बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूक करते हुए बताया गया कि अब डर कर नहीं डट कर के सामना करना है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 108 1090 पर संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत कराएं, आपकी समस्या का निदान अवश्य किया जाएगा। हाँ देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति का चौथा चरण चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना समथर अंतर्गत आज GIC इंटर कॉलेज में बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम मिशन शक्ति को लेकर के हुआ, जिसमें जो खेलकूद प्रतियोगिता की गई, जिसमें हमारी बच्चियां ने जो है दौड़ में भाग लिया, खो खो का गेम हुआ और उसके साथ ही जो उसमें से विजेता है उनको जो है अवार्ड भी दिया गया। साथ ही जो सरकार के द्वारा बच्चियों के लिए जो हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं, चाहे 112 हो, 1090 हो, 1076 हो, तथा जो भी सरकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उसके बारे में भी उनको जागरूक किया गया और उनको समझाया गया और बताया गया कि आप अपने अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए स्वावलंबी बने और देश के निर्माण में अपने योगदान दें।